हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल आज के क्लास में हम पढ़ेंगे आई के बारे में डेट इज़ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब बड़ा बड़े टॉपिक्स अभी एक एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है हमारे सिलेबस के अंदर जितना भी पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन है मैं सारा यहाँ पे जो है उसका नोट्स ले लिया हूँ हाउएवर हम जब प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए बहुत सारा दिया हुआ है यहाँ पे हम कुछ कुछ अपने हिसाब से जो है देख के शॉर्ट करके उसको लिख सकते हैं एग्जाम क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिया हुआ है हमारे नोट्स के अंदर ठीक है तुम तो उसको अपने मन से थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो देखना द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आई एफ सी आई वॉज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश इन इंडिया इन नाइनटीन फोर्टी एट तो पहला इंस्टीट्यूशन है जो एस्टैब्लिश हुआ था इट इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन द मेन फंक्शन ऑफ दिस बैंक वॉज प्रोवाइडिंग मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स स्पेशली इन सच सर्कमस्टांसिज वे नॉर्मल बैंकिंग एकोमोडेशन इज इनअप्रोप्रिएट और रिकोर्स टू कैपिटल इश्यू मेथड इज इम्प्रैक्टिकेबल तो बोल रहे हैं कि जहाँ पर ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम नहीं पहुँच पाता था नॉर्मल बैंक वाले लोन नहीं दे पाते थे ज़्यादातर ये आई एफ सी आई उन इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करता था फिफ्टी परसेंट ऑफ़ द शेयर ऑफ कैपिटल आई एफ सी आई इज हेल्ड बाई आई डी बी आई तो पचास परसेंट शेयर जो है आई एफ सी आई का किसके पास है आई डी बी आई जो कि अगेन एक डेवलपमेंट बैंक है एंड द रिमेनिंग फिफ्टी परसेंट इज हेल्ड बाई द कमर्शियल बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट तो बेसिकली फिफ्टी परसेंट आई डी बी आई के पास है फिफ्टी परसेंट अदर कमर्शियल बैंक्स कोऑपरेटिव बैंक्स इंश्योरेंस कंपनीज इनके पास है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेज गारंटीड द रिपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड द पेमेंट ऑफ मिनिममल एनुअल डिट और गारंटी कौन दिया है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बहुत ट्रस्टेड है आई एफ सी आई आई एफ सी आई नाइनटीन कन्वर्टेड इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी नाइनटी थ्री में उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी कन्वर्ट कर दिया गया है ठीक है इट हैज इट हैज बिन गिवेन द स्टेटस ऑफ अ लिमिटेड कंपनी विद द नेम ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्लियर है नेक्स्ट फंक्शन ऑफ आई एफ सी आई क्या क्या काम करता है आई एफ सी आई नेक्स्ट हम लोग देखें फंक्संस जो है बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है फर्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंस सेकेंड है मर्चेंट बैंकिंग और जो तीसरा है वो है प्रोमोशनल सर्विसेस ठीक है स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब होता है बेसिकली लोन्स प्रोवाइड करना कोई भी प्रकार से पैसे से हेल्प करना डेट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल असिस्टेंस ठीक है जिसमें सबसे पहले आता है जैसे कि ग्रांटिंग ऑफ लोन्स बहुत सिंपल है लोन्स प्रोवाइड करना जो कि रिपेबल होगा ट्वेंटी फाइव ईयर्स के अंदर वो सबसे पहला काम है फाइनेंशियल असिस्टेंस के अंदर ठीक है देखना आई एफ सी प्रोवाइड लोन्स और एडवांसेस टू और सब्सक्राइबिंग टू डिचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स रिपेबल विद इन ट्वेंटी फाइव ईयर्स द कॉरपोरेशन कैन ऑल्सो कन्वर्ट द लोन्स और डिचर इनटू इक्विटी शेयर एट इट्स ओन ऑप्शन तो जो शेयर या डिवेंचर सॉरी जो लोन या डिवेंचर कंपनी इशू किया है बैंक को मतलब आई एफ सी आई को वाई उसको चाहे तो इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकता है ठीक है सेकेंड आता अंडर राइटिंग द इशू जो शेयर्स हम लोग इशू कर रहे हैं उसको अंडर राइट करता अंडर राइट करना मतलब गारंटी देना कि वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स को जो है खरीदेगा लोन टू नेशनल प्रायोरिटीज जो मेन कंट्री के अंदर प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जिसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है उन सबको लोन प्रोवाइड करता है आईएफसीआई नेक्स्ट आता है सब्सक्राइबिंग टू सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज जो है आईएफसीआई खरीदता है जब कोई भी पब्लिक कंपनी इशू करता है शेयर्स या डिवेंचर्स तो उसको आईएफसीआई जो है परचेज करता है जिससे एक प्रकार से पैसा मिलता है टू तो द कंपनी ठीक है ये हो गया फाइनेंशियल असिस्टेंस के अंदर नेक्स्ट सॉफ्ट लोन स्कीम सॉफ्ट लोन क्या होता देखते है देखते हैं बेटा

तो उसमें जो है गारंटी प्रोवाइड करना हमारे बदले ये भी काम है आई का आई एफ सी प्रोवाइडेड गारंटी ऑफ लोन्स रेज बाय इंडस्ट्रियल यूनिट्स फ्रॉम बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स नेक्स्ट एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक द आई एफ सी एज ऑल्सो बिन अपॉइंटेड एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स फॉर द रिहेबिलेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट। गवर्नमेंट so, का एजेंट के जैसा काम करता है और गवर्नमेंट के बदले लोन्स प्रोवाइड करता है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज नेक्स्ट सेकेंड आता है मर्चेंट बैंकिंग दो तीन है पहला हो गया फाइनेंशियल असिस्टेंस अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मर्चेंट बैंकिंग देखना मर्चेंट बैंकिंग आई एफ सी ऑल्सो एंटरचेंट बैंकिंग बिजनेस नॉट जस्ट एन मर्चेंट बैंकर बट एज एन इंस्टीट्यूशन विच अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट ऑफ एंटरप्रीन्योर्स किसके लिए है जो नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं द एंटरप्रीन्योर्स और द प्रमोटर्स ऑन वन हैंड एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक स्टॉक एक्सचेंज एंड मनी मार्केट ऑन द अदर हैंड द मर्चेंट बैंकिंग डिविजन आई एफ सी आई ऑफर्सराइटी ऑफ सर्विस इन देक ऑफ ग्रोइंग नीड्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मीडिया में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बेसिकली मर्चेंट बैंकिंग का काम है कि जो भी नया ऑर्गेनाइजेशन है जो भी नया बिजनेस सेटअप हो रहा है उनको जो भी प्रकार का हेल्प चाहिए कोई भी प्रकार का मदद चाहिए पैसा चाहिए ये सब कुछ प्रोवाइड करने का, का काम है मर्चेंट बैंकिंग का द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन ऑफ आई क्या क्या काम करता है देखना इसमें से हम कुछ कुछ दो तीन टो तो लर्न करके रख सकते हैं डेट विल बी मोर देन ठीक है देखना सबसे पहला प्रोडक्ट काउंसिलिंग प्रोडक्ट के बारे में क्रेडिट स्कीम्स बताना मैनेजमेंट करना कॉर्पोरेट काउंसिलिंग करना ओल्ड या जो पुराने यूनिट्स हैं उनको ठीक करने के लिए एन को सजेशन देना फॉरेन कोलेबोरेशनस में हेल्प करना और टेक्नोलॉजी में हेल्प करना ये सब कुछ काम है बेसिकली तुम्हारा एक मर्चेंट बैंकिंग का ठीक है मर्चेंट बैंकिंग बेसिकली हेल्प करता है नए इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए नेक्स्ट आता है प्रोमोशनल सर्विसेज प्रमोशनल मतलब बेसिकली एडवरटाइजमेंट करना है ना देखना द प्रमोशनल एक्टिविटीज ऑफ डेवलपमेंट बैंक रिफ्लेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विच इट ऑपरेट्स एज ऑल्सो द पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज इन्फ्लुएंसिंग इट्स फील्ड ऑफ ऑपरेशन नंबर ऑफ प्रमोशनल सर्विसेज बिंग प्रोवाइडेड बाई आई एफ सी आई एज पार्ट ऑफ इट डेवलपमेंट रोल आर इन कंसोनेंस विद द मेजर एड एड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ़ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड फिट इन वेल विद द ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तो देखोगे तो कुछ भी काम का बात इसमें जो है बताया हुआ नहीं है खाली कहानी है ठीक है मेन जो प्रमोशनल सर्विस हम ध्यान रख सकते हैं एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में हेल्प करना बैकवर्ड एरियाज का प्रमोशन करना और डिफरेंट प्रमोशनल स्कीम्स लेकर आना ठीक है ये सब काम है बेसिकली आईएफसीआई का तो इतना डिटेल में प्रमोशनल सर्विसेज के अंदर जरूरी नहीं है देखना ठीक ये तीन टाइप ऑफ प्रमोशनल सर्विसेज भी हम जान जाएंगे तो इट विल बी मोर देन एनफ दैट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज एंड प्रमोशनल स्कीम्स ठीक है जिसके अंदर सबसे पहला आता है इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनस सेटअप बाय आईएफसीआई ठीक है ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनस है ये बहुत डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन एग्ज़ाम पर्पस के लिए बता रहा हूँ ये चीज़ जो है हम एक एक करके लर्न नहीं रख पाएंगे तो बेटर है कि हम जो प्रमोशनल सर्विसेज हैं उसके अंदर सिर्फ ये तीन टाइप ऑफ सर्विसेज को ध्यान रखें और थोड़ा सा प्रमोशनल सर्विसेज क्या होता है एक्सप्लेन करें एग्जाम में और ये तीन पॉइंट को लिख कर आए प्रोमोशनल सर्विसेज के अंदर तो भी हमारा काम आराम से हो जाएगा ठीक है तो फंक्शंस और आइफ से अगर एग्जाम में आ जाता है तो फाइनेंशियल असिस्टेंस पूरा लिखेंगे हम मर्चेंट बैंकिंग पूरा लिखेंगे प्रमोशनल सर्विसेज को थोड़ा एक्सप्लेन करके उसके अंदर जो तीन जो टाइप है प्रमोशनल सर्विसेज का उसको हम लोग लिखेंगे ठीक है उसके अंदर और डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ है या डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज का जो है कैसे हो रहा है या फिर प्रमोशनल स्कीम्स क्या क्या है ये सब बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है क्लियर है ये बात तो आगे बढ़ते हैं हम लोग हम पढ़ेंगे सीधा इवेलुएशन ऑफ आई एफ सी आई आई एफ सी आई क्या क्या काम कर रहा है और कैसे कैसे क्या उसका प्रॉफिटेबिलिटी है ये हम लोग देखेंगे क्लियर ये तो बेसिकली फंक्शंस में तुमको सिर्फ ये तीनों टाइप ऑफ फंक्शंस को ब्रॉडली पढ़ना है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का बिल्कुल भी नीड नहीं है ठीक है सिंपल सा बात है देखो इतना ज़्यादा डिटेल में जो चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं पूछा जा रहा है उसमें वो हम लोग पढ़ेंगे तो जो सिलेबस में है उसको भी भूल जाएंगे है ना ठीक है देखना नेक्स्ट इवेल्युएशन ऑफ आई एफ सी आई आई एफ सी आई क्या क्या काम करता है और वो कैसा परफॉर्म कर रहा है अभी ठीक है देखना द वर्किंग ऑफ आई एफ सी आई वॉज क्रिटिसाइज ड्यू टू द कंजर्वेटिव अप्रोच बहुत लोग बोलते हैं कि आई एफ सी आई है कंजर्वेटिव मतलब उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेता डिले सेंशन एंड डिसबर्समेंट लेट होता है बहुत पैसा देने में और डिसबर्स करने में और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है तो बहुत ज्यादा बुराई हो रहा है तो है ना इन द अर्यर ईयर्स बट ना हो अब ठीक हो गया बोलते हैं तो आई एफ सेट्स वर्किंग एंड चेंजिंग इट्स पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू देंजिंग सिचुएशन एंड बिजनेस एनवाइ आई एफ सी एज एमबार्कड ऑन डी सेंट्रलाइजेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम आफ्टर बिकमिंग अ कंपनी कंपनी कब बना था ये 1993 में तो बोल रहा है 1993 के बाद से जो है आईएफसीआई काफी हद तक ठीक हो चुका है टू डाइवर्सिफाई एक्टिविटीज आईएफसीआई है सेट अप अ रेंज ऑफ सब्सिडियरीज सच एज और बहुत सारे और भी आईएफसीआई के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बने हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट काम है पहला आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड नाम से बोला चल रहा है कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज का जो है डिपार्टमेंट देखता है नेक्स्ट है आईएफसीआई कस्टडियल सर्विसेज कस्टोडियल नेक्स्ट आईएफसीआई इन्वेस्टर्स सर्विसेज नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड लास्ट है आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड क्लियर है ये नेक्स्ट आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे हालांकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब होता है वो लोग जो पैसा ले चुके हैं बैंक से इन द फॉर्म ऑफ लोन्स लेकिन वो पैसा वो लोग वापस नहीं कर रहे हैं ठीक है इट इज़ इन प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रक् इट्स लाइबिलिटीज एंड सेटअप एंड एसेट रेस्ट्रक्चर रेस्ट्रक्चर सॉरी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कॉल्ड एज एसेट केयर एंटरप्राइज लिमिटेड तो बहुत सारा एन पी ए हो चुका था और कंपनी बंद होने वाला था आई एफ सी आई उसको रिस्ट्रक्चर किया गया मतलब वापस से ठीक किया गया है विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ देर इज अ प्रपोजल टू मर्ज आई एफ सी आई आगे चल के ये भी प्रपोजल रखा गया था कि आई एफ सी आई को मर्ज कर दिया जाए उट आई एफ सी आई क्लियर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग एक नया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे अभी के लिए इतना थैंक यू एंड बाय बाय